नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोफोन के बारे में, ओमनी डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल जो माइक्रोफोन होता है वो क्या डिफरेंस उनके बीच होता है और क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ आती है, इस बारे में हम सारी बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों अभी जो आप ये माइक मेरे पास देख रहे हैं जिससे मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक बोया BY-M1 माइक है जो एक ओमनी डायरेक्शन माइक है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे आपको अगर बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे रही होगी, फ़ैन अपने फुल स्पीड में चल रहा है और उसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी, तो ये जो ओमनी डायरेक्शनल माइक होता है ये चारों तरफ की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। अगर पीछे से कोई बैकग्राउंड हल्का सा भी नॉइज़ होता है तो वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। अभी मैं अपने फ़ैन को स्पीड कम कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप देखना कि आपको फ़ैन की स्पीड नहीं सुनाई देगी। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो फ़ैन की आवाज़ थी वो कम हो गई है, क्योंकि मैंने उसको फ़ैन की स्पीड कम कर दी है, उसका शोर अब ज़्यादा नहीं हो रहा है। मतलब अगर मुझे जब भी इस माइक को यूज़ करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो मैं इसी तरह से फ़ैन की स्पीड कम रखता हूँ, और अगर गर्मी ज़्यादा हो रही हो फिर भी मुझे फ़ैन की स्पीड कम रखनी पड़ती है। लेकिन जो यूनिडायरेक्शनल माइक होता है, जिनको आपने देखा होगा सिंगिंग माइक होते हैं या फिर जो स्टेज परफॉर्मेंस में माइक यूज़ होते हैं उनको आपने देखा होगा, तो वो यूनिडायरेक्शनल माइक होते हैं। वो केवल एक डायरेक्शन से ही वॉइस को कैच करते हैं, और उनमें अगर बैकग्राउंड कहीं साइड से नॉइज़ आ रहा होगा तो वो उसमें उतनी जल्दी से जाता नहीं है। लेकिन उसका भी एक नुकसान ये है कि जैसे आप इस माइक को देख लीजिए, अगर मैं इतनी दूर भी रखूँगा तो ये माइक मेरी जो आवाज़ है उसको कैच कर लेगा और उसको रिकॉर्ड कर देगा। लेकिन जो यूनिडायरेक्शनल माइक होता है वो इतनी दूर से आवाज़ को कैच नहीं कर पाता है। और ये जो ओमनीडायरेक्शनल माइक हैं ये कब ज़्यादा यूज़फुल होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आप कोई लेक्चर दे रहे हैं, अपने ऑडियंस को कुछ सिखा रहे हैं, या कोई किसी टॉपिक पे कुछ बता रहे हैं और आपकी ऑडियंस से कोई सवाल पूछता है, तो आपको वो उतनी दूर से नहीं सुनाई देगी। लेकिन आपने अगर ये माइक यूज़ कर रहे हैं तो ये ओमनी डायरेक्शनल माइक जो है ये उसकी आवाज़ को कैच कर लेगा और स्पीकर में उसकी आवाज़ तेज़ से आएगी, जिससे आप उसकी आवाज़ आसानी से सुन सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे ही ये ओमनी डायरेक्शनल माइक यूज़ होता है। और ख़ासकर यूट्यूब वीडियो, जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हम इनको यूज़ क्यों करते हैं? एक तो हम इसको अंदर टी शर्ट के अंदर छुपा के यूज़ कर सकते हैं, ये दिखेगा नहीं। दूसरी बात, अगर हम यूनी डायरेक्शनल माइक यूज़ करते हैं तो उसे हमें एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा या उसके लिए कोई स्टैंड रखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा ऑड फील कराता है। और ये बहुत पोर्टेबल टाइप का होता है, इसको यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। भले ये बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कैच कर लेता है, लेकिन हमें इसके लिए थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है कि थोड़ा शांत एनवायरनमेंट में वीडियो बनानी पड़ती है। कई बार हमारे घर के पास जैसे गाड़ी वगैरह आ जाती है तो उसकी आवाज़ इसमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाती है, बहुत तेज़ी से रिकॉर्ड होती है, हाई वॉल्यूम पर रिकॉर्ड होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो में कट भी मारने पड़ते हैं जहाँ पर ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यही कुछ डिफरेंस होता है ओमनी डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल माइक के बीच। अगर आपको अभी तक पता ना रहा हो तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इनके बीच क्या अंतर होता है और क्या क्या इनका यूज़ होता है। दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।